नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कुढ़नी चुनाव को लेकर पक्की खबर बताने जा रहे हैं। दरअसल कुढ़नी चुनाव में सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। मामला फंसा हुआ है और फंसे हुए मामले में अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खूब मजे ले रही है। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राजद और जदयू गठबंधन की तरफ से, तो हम आपको बता रहे हैं कि ये पक्की खबर है और कन्फर्म खबर है कि राष्ट्रीय जनता दल वहां से उम्मीदवार नहीं देने जा रही है। जदयू की तरफ से मनोज कुशवाहा उम्मीदवार होंगे और संभावित उम्मीदवारों की सूची में कई और नाम शामिल हैं, लेकिन सीट बंटवारे के तहत ये सीट जदयू के खाते में चली गई है, ये पक्की खबर बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज शाम तक ऐलान हो सकता है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस सीट पर दावेदारी ठोक दी गई थी। मुकेश सैनी भी इस सीट पर दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन अब अंत समय में जनता दल यूनाइटेड के खाते में ये सीट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक कल देर रात नीतीश कुमार और तमाम नेताओं के बीच बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में सारे एजेंडे तय किए गए हैं, कैसे चुनाव लड़े जाएंगे और क्या कुछ फैसला होगा। दिल्ली गए थे तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव ने दिल्ली जाकर ये तय कर लिया है लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर कि क्या वो इस सीट पर दावेदारी करेंगे या नहीं करेंगे। तो कुढ़नी सीट पर जदयू ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की और राजद ने अपनी दावेदारी छोड़ दी है। और ये कहीं ना कहीं जानकारी निकलकर सामने आ रही है। विशेष सूत्रों की मदद से हमने ये जानकारी इकट्ठा की है और आपको बता रहे हैं कि जदयू कुढ़नी सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। और इसके अलावा कुढ़नी सीट पर अब महागठबंधन में कोई पेच नहीं है, सारे पेच सुलझ गए हैं। बात मुकेश सहनी की जाए तो एक से दो दिनों में वो भी तय कर देंगे। ज्यादा जानकारी मुकेश सहनी को लेकर आज शाम तक आ जाएगी। कुढ़नी पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपना जो दावा है उसको वापस ले लिया है और जनता दल यूनाइटेड ने दावेदारी पेश कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू वहां से चुनाव लड़ेगी। जदयू के उम्मीदवार होंगे और राजद के टिकट पर होंगे या जदयू के सिंबल पर या जदयू के टिकट पर होंगे, ये एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। आज शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो बातें निकल कर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इन मुद्दों पर ललन सिंह से बातचीत की है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित अन्य लोगों के द्वारा बातचीत की गई है और इस बातचीत के माध्यम से ये तय किया जा रहा है कि कुढ़नी की जो सीट है वो जनता दल यूनाइटेड के खाते में गई है और जदयू वहां से चुनाव लड़ रही है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386